सदर कोतवाली थाना अंतर्गत पीआर मार्ग पर रविवार को तीन बदमाशों ने चोरी की नाकाम कोशिश की। इस दौरान वे लोगों के हत्थे चढ़ गए और लोगों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। तीनों शातिरों ने पीआर मार्ग पर एक प्रतिष्ठान के बाहर खड़ी कार के कांच तोड़ दिए और कार में रखे करीब 1,00,000 रुपए लेकर भागने वाले थे, तभी रिटायर्ड एएसआई शमशेर मोहम्मद की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने लोगों की मदद से बदमाशों के इरादे पर पानी फेर दिया। लोगों ने तीनों को कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। तीनों आरोपियों से और भी वारदातें खुलने की उम्मीद है। परचूनी सामान लेने के लिए गया था और लक्ष्मी ट्रैक्टर वालों की गाड़ी कार सामने ही खड़ी थी, तो एक बच्चा आया, आते ही उसने कांच तोड़ा और बैग निकालने, दो आदमी अन्य और साथ थे, निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो पब्लिक वालों ने हमने साथ मिल के दबोच लिया उसे और लक्ष्मी ट्रैक्टर वाले ले जा के बिठा दिया और उसके बाद में थाने में आके यहाँ से इतला करके मदद लेके चला गया और इनके हैंड ओवर कर दिया। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी, गाड़ी वहाँ पे नहीं मिली और दो लड़के, एक छोटा लड़का, दो बड़े उनको लेके आए थे यहाँ पे पूछताछ के लिए। क्या सूचना क्या मिली? सूचना ये मिली कि वहाँ भीड़ हो रही पीआर मार्ग पे, किस वजह से हो रही है, क्या हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन ट्रैफिक जाम है, ज़्यादा भीड़ है। नोटबंदी के बाद नसीराबाद राजगढ़ निवासी विक्रम देर रात एटीएम बूथ से रुपए निकालने की जुगत में एक एटीएम से दूसरे एटीएम चक्कर लगा रहा था। इस बीच नसीराबाद रोड पर मार्टिनल ब्रिज के नीचे उसके पीछे लगे बाइक सवार तीन युवकों ने उसके बैग और अटैची में रुपए होने का अंदाजा लगाकर उसे नसीराबाद रोड पर दबोच लिया और अटैची और बैग छीनकर उसे आर्य नगर की गली में ले जाकर मारपीट की और भाग छूटे। पीड़ित विक्रम सिंह ने अलवरगेट थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी हरपाल सिंह ने टीम गठित कर तत्काल कार्रवाई की और आर्यनगर में ही रहने वाले साहिल, उसके साथी राहुल सोनी और प्रदीप जीनगर को गिरफ्तार कर लिया। 12 तारीख की रात को 3:30 बजे लगभग विक्रम नाम का लड़का पैदल पैदल नसीराबाद की तरफ जा रहा था। एटीएम के पास में विक्रम को तीन लड़कों ने रोका, रोक के उनके साथ एटीएम के रोक के एक सूटकेस के अंदर कुछ पैसे थे, कागजात डॉक्यूमेंट इनके छीन लिए और फिर इनको श्रीनगर रोड ला के पटक के और उनके साथ मारपीट करके इसको छोड़ दिया। इस पर यह प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार टीम गठित की गई। टीम गठित करके राहुल, साहिल और प्रदीप जीनगर को गिरफ्तार किया और जो चोरी गया सामान पूरा बरामद किया।